सो एक जिहे एक छोटी जी रेहड़ी ते पहुंचे हाँ, रेहड़ी का नाम है घर दी रसोई। सर अब करना पड़ता है, एक आगे बढ़ेगा, एक को देख के दूसरा आगे बढ़ पाएगा, बस मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। हिम्मत की दात देना चाहूंगा इन्हों की कि जी इन्ह की रेहड़ी इतने लगी है, रेहड़ी के बिल्कुल सामने एक शराब का ठेका तो नाल अहाता है। लेडीज के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं आगे आऊंगी तो औरों को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। बाहर भी तो औरतें काम करती हैं, घर के अंदर सब काम करती हैं, तो बाहर भी कर सकती हैं थोड़ा सा हिम्मत करके। आप घर से निकलो, बाहर करो, आप ये मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो। आपकी हिम्मत से ही सब आगे बढ़ेगा। हम लेडीज ही हैं, हम गर्ल्स ही हैं जो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हम कोशिश करेंगे तो उस चीज़ का लेवल बन जाएगा, हम कोशिश करेंगे तो उस चीज़ का लेवल बन जाएगा। पहला औरतां सिर्फ घर दे विच खाना बनाउंदियां सी अपने परिवार वास्ते, ते हुण जमाना बदल चुका है, औरतां बाहर आ गईयां ने, अपना बिजनेस संभाल रहीयां ने, कई जिहड़े काम ने औरतां मर्द दे बराबर मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के काम कर रहीयां ने। ते कई आपां आउंदे जांदे देखदे कि रस्ते दे विच छोटियां छोटियां रेहड़ियां लगियां हुंदियां ने जिथे कि औरतां ने मोर्चा संभालिया है, ते ओह छोटे छोटे ढाबे छोटियां छोटियां रेहड़ियां चला रहीयां ने, नाले ते परिवार भी पाल रहीयां ने, ते नाल दी नाल इक कमाई दा साधन भी बणिया होया है। सो एक जिहे एक छोटी जी रेहड़ी ते पहुंचे हाँ, रेहड़ी का नाम है घर दी रसोई। गलबात करांगे कि कुछ इत्थे खाण नूं मिलदा है, किवें इन्हां ने जिहड़ा काम स्टार्ट किया, ते सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैनूं इत्थे लगी है कि रेहड़ी दे बिल्कुल सामने एक शराब का ठेका है। सो चुनौतियां दा भी सामना करना पैंदा होणा है। सो गलबात करदे हां, मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। मैम की नाम? मिष्टी जी। सब तो पहला तो मैं जानना चाहूँगा कि कितना समय पहला जो तुसी काम स्टार्ट किया सी? हमको 2 साल हो गए सर काम स्टार्ट किए को। हाँ जी, 2 साल पहलों जो तुसी स्टार्ट किया सी, छोटी जी रेहड़ी तो किया सी जा फिर प्रॉपर है सारा? यही रेहड़ी से ही शुरू किया, काम यहीं पे ही है अभी तक। हाँ जी जी। तो जो गल करिए कि कुछ इतने खाने को मिलता है, की कुछ बनाते हो? सर हमारे पास है आलू के परांठे, गोभी के परांठे, मिक्स परांठे, प्याज परांठा, पनीर परांठा, मूली परांठा, रोटी है सिंपल, और कड़ी चावल, राजमा चावल। सो सोचिया किस तरह सेगा कि जिहड़ी रेहड़ी स्टार्ट की जाए, लोगों नूं खाना खवाया जाए? पहला दी गल करिए, पहला औरतां सिर्फ घर दे विच खाना बनाउंदियां सी, हुण एक बिजनेस दे तौर ते औरतां इस काम नूं लैके जा रहीयां ने। हाँ जी सर, अब करना पड़ता है, एक आगे बढ़ेगा, एक को देख के दूसरा आगे बढ़ पाएगा, बस मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं इत्थे खास गल एक देख रहा हाँ कि सिर्फ इस रेहड़ी ते औरतां ही काम कर रहीयां ने, तुसीं उह जां इह छोटी बच्ची है, ते इक मैम होर सीगे इत्थे, सिर्फ औरतां ही काम कर रहीयां ने, इह सारा जिहड़ा मोर्चा इत्थे संभालिया होया औरतां ने? जी हाँ जी सर, लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज़ के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं आगे आऊँगी तो औरों को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। स्टार्टिंग तुसी की थी, तुसी सोचा सी? हाँ जी, मैंने स्टार्ट किया इसको। जो तो ना अपने इंडिया दे विच की है, भारत दे विच जो तो कोई औरत चाहती है कि मैं काम स्टार्ट करना चाहती है, तो रिश्तेदार होंगे ने जो कोई होर सके संबंधी होंगे ने रोक देंगे ने कि नहीं तू बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के तेनों लोग टक्करनगे, तरह तरह दी गल्लां करनगे, कुछ इदा का भी होया सी? हाँ जी, बहुत ऐसे सामना तो बहुत करना पड़ता है, पर मैंने सोच रखा था कि मैं आगे बढ़ूंगी, अपना बिजनेस करूंगी। बाहर भी तो औरतें काम करती हैं, घर के अंदर सब काम करती हैं, तो बाहर भी कर सकती हैं, थोड़ा सा हिम्मत करके ये काम शुरू किया मैंने। तो 2 साल तो चला रहे हो? हाँ जी। तो जे राशन की गल करिए, सब्जियां की गल करिए, सारा कुछ तुसी खुद लेके आंदे हो, खुद मंडी जाते हो? हाँ जी हाँ जी, खुद जाते हैं जी। हाँ। अपने आप ही सारा कुछ करते हैं, सारा कुछ सेटिंग भी अपने आप ही करना, मंडी जाना, राशन वाली मंडी जाना, सब मैं ही करती हूँ। अच्छा, सवेरे कितने बजे उठते हो फिर?
4-4:30 बजे उठ जाते हैं। हाँ जी, फिर बाकी सामान तैयार करना, 5 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद फिर अगर कोई काम हो तो फिर 5 बजे के बाद कर लेते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਬਸ 5-6 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰ 90% ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਸਟਮਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਆਪਨੇ, ਕਿ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਬ 10% ਵੈਸੇ ਆ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ, पर अब डील करना आ गया है, हम बोल देते हैं आगे से कि हमारी हमारा काम है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं बस। लोग साथ कितना दिन देने? साथ तो बहुत देते हैं, क्योंकि अब जो पहली बार आया है खाना है वो दोबारा ज़रूर आता है, तो उसी को ही हम साथ कहते हैं। बाकी कॉपरेट भी करते हैं कि थोड़ी देर वेट करना पड़े तो भी कर लेते हैं। तो एक सब तो मैनू जी मैनू पर्सनली वधिया गल लगी, शायद तुहानू उस गल तो हासा भी आ सकता है, मैं हिम्मत की दात देना चाहूँगा इन्हों की, कि जी इन्हों की रेहड़ी इतने लगी है, रेहड़ी के बिल्कुल सामने एक शराब का ठेका तो नाल हाथ है। सो तुसी समझ सकते हो कि इत्थे तरह तरह के लोग आते होने हैं, तरह तरह दीयां गल्लां करते होने हैं, कि बिल्कुल सामने एक कुड़ी है जिहड़ी रेहड़ी ला रही है। सो किस तरीके दे नाल लोग देखते हैं, जां किस तरीके दे नाल रवैया हुंदा लोगों का, वो सारा इन्हां तों जानदे हां। मैम बिल्कुल सामने ठेका है, ठेके के बिल्कुल सामने तुसी रेहड़ी ला रहे हो, किस तरह के लोग इतने आते हैं, छेड़छाड़ तो नहीं करते कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बाकी लोगों का सोच का हम कुछ कह नहीं सकते, लोगों की सोच तो बदलती रहती है। अगर घर में भी रहेंगे लेडीज़ तो वो भी बोलेंगे कि हाँ भाई ये पता नहीं कैसी है क्या है, तो उस चीज़ को मायने नहीं रखता, हम अपने तरफ से अपना बेस्ट देते हैं और अपने तरफ से अपना सेफली रहते हैं, बस यही सर। और ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੱਗੇ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਮਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੱਗੇ ਕੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ? ਸਰ ਅਭੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਜੈਸਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮ ਘਰ ਮੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮਕੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਓਂ ਕੋ ਬੋਲੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਯੇ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਯੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ, आपकी हिम्मत से ही सब आगे बढ़ेगा। हम लेडीज़ ही हैं, हम गर्ल्स ही हैं जो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हम कोशिश करेंगे तो उस चीज़ का लेवल बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गल करने ली। सो देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल इत्थे छोटी जी एक रेहड़ी चलाई जा रही है मिस्ती वालों। सो इस पेशकश के विच नहीं, देखते रहो पंजाबी नैशनल टीवी, उम्मीद तुहाडी कोशिश साडी। सत श्री अकाल।